I am Dr. Amrain. Today we will discuss permutation and combination. The objectives of the units: apply fundamental counting principle, compute permutations, compute combinations, distinguish between permutation and combinations. Fundamental counting principle. Fundamental counting principles can be used to determine the number of possible outcomes when there are two or more characteristics. It states that if an event has m possible outcomes and another independent event has n possible outcomes, then there are m multiply n possible outcomes for the two events together. इसमें कह रहे हैं दो ही तो ज़्यादा करेक्टर हों तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि हमारे पास m और n दो हमारे पास इंडिपेंडेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इससे इसका जो है वो आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जाम्पल. अ स्टूडेंट इज टू रोल अ डाई एंड फ्लिप अ कॉइन, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स विल देयर बी. ठीक है, हमारे पास देखेंगे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि आप अगर कोई डाइस को या आप कॉइन को जो है वो रोल करते हैं तो कितनी आपके पास जो है वो आउटकम्स आते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, उसे सिक्स साइड हैं तो सिक्स हो सकती हैं, कॉइन की टू साइड हैं तो टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. इस तरह से हम बता सकते हैं उसको. ठीक है, तो सिक्स मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 12 आउटकम्स. फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल. फॉर अ कॉलेज इंटरव्यू रॉबर्ट हैज़ टू चूज व्हाट टू वियर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 slacks, 3 shirts, 2 shoes and 5 ties. How many possible outfits does he have to choose from? ठीक है, तो आप कितने जितनी आपके पास ऑप्शंस हैं 4, 3, 2, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आउटफिट्स जो यानी कॉम्बिनेशंस पहन सकते हैं. ठीक है, इसमें परमोटेशन में क्या होता है, परमोटेशन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. इसमें ऑर्डर मैटर करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मोबाइल का पासवर्ड 1, 2, 3 है तो 3, 2, 1 से वो ओपन नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा. ठीक है, तो परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. टू फाइंड द नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ एन आइटम्स वी कैन यूज़ द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स और फैक्टोरियल नोटेशन. इसका जो फार्मूला है वो हम फैक्टोरियल में लिखते हैं. इसको परमोटेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ए बी सी, नंबर ऑफ चॉइसिस द फर्स्ट ब्लैंक, नंबर ऑफ चॉइसिस द सेकेंड ब्लैंक, नंबर ऑफ चॉइसिस इन थर्ड ब्लैंक. ठीक है, 3, 2 एंड 3, 2, 1. अगर फैक्टोरियल का साइन है 3 का, फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हम रिवर्स ऑर्डर देंगे 3, 2, 1. ठीक है, और अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2, 1 को तो आपके पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा. यानी 3 को हमने खोना है रिवर्स ऑर्डर में, जो जिसके साथ फैक्टोरियल का साइन है 3 के साथ फैक्टोरियल का साइन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2, 1 एंड वी गेट 6. ठीक है, ये पॉसिबल उन्होंने आपको ऑर्डर बताया कि ए बी सी ए सी बी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 6 पॉसिबल वेज में. टू फाइंड द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन आइटम चूजन आर एट अ टाइम यू कैन यूज़ द फार्मूला. इसका फार्मूला क्या होता है, एन पी आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, वेयर द कंडीशन इज 0 इज लेस देन आर एंड लेस देन इक्वल देन लेस एन इक्वल एन. तो इसमें आर एन जो है ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमिनेटर पे एन होती है, डिनोमिनेटर पे एन में से माइनस करते हैं आर. ठीक है, देखें आपका एग्जांपल है एन पी आर अगर पास 5p3 है तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 5 है और r हमारे पास 3 है इस क्वेश्चन में. तो हम n में n की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, n 5 का फैक्टोरियल और n माइनस r में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल. और 5 का फैक्टोरियल एज इट इज़ एज जगह 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2 का फैक्टोरियल. अब 5 का फैक्टोरियल कैसे ओपन करना है, 5 से हमने 1 तक जाना है 5, 4, 3, 2, 1. और 2 का फैक्टोरियल भी डिनोमिनेटर में ऐसे 2 और 1. अब 2 और 1 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज़ और 5, 4, 3 बच जाएगा सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ में. डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया और 2, 2 से कट जाएगा तो 5, 4, 3 आ जाएगा हमारे पास 5 × 4 × 3 एंड वी गेट 60. तो आंसर हमारे पास 60 आ जाएगा. अ कॉम्बिनेशन लॉक विल ओपन व्हेन द राइट चॉइस ऑफ 3 numbers फ्रॉम 1 to 30 इंक्लूसिव इज सिलेक्टेड. हाउ मैनी डिफरेंट लॉक कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल अज्यूमिंग नो नंबर इज रिपीटेड. ठीक है, वो कह रहे कोई नंबर आप रिपीट नहीं करें क्वेश्चन आपके पास सामने, तो इसको हम किस तरह से करेंगे कि हमने पहले क्वेश्चन को देखना कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और टोटल हमारे पास एन जो है वो 30 है यहाँ पर, तो 3 पॉसिबल है तो एन पी आर जो है हमारे पास 30p3 कॉम्बिनेशन बन जाएगा. तो एन की वैल्यू में हम 30 पुट करेंगे और 3 जो है वो आर है हमारे पास, तो एन माइनस 3 में 30 माइनस 3 आ जाएगा. 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 27, तो 30/27 फैक्टोरियल आ जाएगा. अब 30 का फैक्टोरियल हमने कहाँ तक ओपन करना है, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है. हमने इसको 30 से 1 तक नहीं लेके जाना, इतना लॉन्ग हमने क्वेश्चन को नहीं लेके जाना, बल्कि हम इसको करेंगे 30, 29, 28 एंड 27. 27 का फैक्टोरियल रहने देंगे और डिनोमिनेटर में 27 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो 27 का फैक्टोरियल ऊपर 27 के फैक्टोरियल से कट जाएगा.
इसका मतलब ये ना कि 27 से लेके आपने आपने बैकवर्ड जाना है 1 तक, तो इसका मतलब ये है कि वो 27 कट जाएगा एंड यू गेट 30 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 28 इज़ इक्वल टू 2,4,3,6,0 24,360 आपको आंसर आ जाएगा। फ्रॉम अ क्लब ऑफ 24 मेंबर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी प्रेयर एंड हिस्टोरियन आर टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब इन हाउ मैनी वेज कैन बी ऑफिस बी फिल्ड। 24 हमारे पास एन है तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास कम्बिनेशन है 1, 2, 3, 4, 5 हम उसको लिख लेंगे कि 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 24P5 एन इसमें 24 होगा और आर हमारे पास इसमें 5 होगा, तो आंसर है एन का फैक्टोरियल और एन माइनस वन एन माइनस आर। तो ऊपर एन की वैल्यू में 24 पुट करेंगे और 24 माइनस 5, 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें वी गेट 19। अब 24 हमारे पास न्यूमिनेटर में है और 19 डिनोमिनेटर में है, तो 24 को हमने 19 तक ओपन करना है, 24, 23, 22, 21, 20 एंड 19। अब 19 नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जितनी वैल्यूज़ हमारे पास रिमेनिंग है 24 से 20 तक हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, हम चीज़ों को मिक्सर, जैसे हम कोई पास्ता बना रहे हैं, हम उसमें पहले कोई ऑर्डर, आप पहले वेजिटेबल ऐड करें और बाद में चिकन ऐड करें या पहले चिकन ऐड करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी रेसिपी को आगे पीछे करने से भी। ठीक है, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। अ कॉम्बिनेशन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डजेंट मैटर। सिंस द ऑर्डर डजेंट मैटर इन कॉम्बिनेशंस, देयर आर फीवर कॉम्बिनेशंस दैन परमोटेशंस। द कॉम्बिनेशंस आर अ सबसेट ऑफ द परमोटेशंस। To find the combination number of combinations of n items chosen r at a time, you can use the formula. इसका formula क्या होता है, n c r is equal to n का factorial over r का factorial n minus r का factorial। अब difference क्या है इसमें कि permutation में n का factorial n minus r था, लेकिन इसमें एक addition क्या है कि n का factorial over r का factorial फिर n minus r है, तो इसमें r का factorial जो है वो additional है। condition वही है where 0 is less than equal to r and r is less than equal to n। To find the number of combinations of n items chosen r at a time, you can use the formula ncr n का factorial over r का factorial n minus r का factorial हमारे पास है। For example, question क्या है 5c3। अब 5 के हमारे पास n है और r कितना है 3 है, तो according to formula हम put करेंगे 5 का factorial over 3 का factorial and 5 minus 3 का factorial। 5 का factorial over 3 का factorial, 5 is 3 subtract करें we get 2। अब क्या करेंगे हम इनको ओपन करेंगे, ऊपर वाले को 5321 और डिनोमिनेटर को 321 और 211। अब देखिए 211 कैंसिल हो रहे हैं और 3 भी कैंसिल हो रहा है 3 के साथ, डिनोमिनेटर में 211 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 और 4 रह जाएगा, यानी 321 कैंसिल और 5 4 डिनोमिनेटर में और 2 और 1 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/2। उसको कैंसिल करेंगे और आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ परमुटेशन के अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम पुट करते हैं और वी गेट आवर आंसर। टू प्ले अ पर्टिकुलर कार्ड गेम ईच प्लेयर इज डेल्ट 5 कार्ड्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मैनी डिफरेंट हैंड्स आर पॉसिबल। ठीक है, आप देखिए 52 हमारे पास टोटल एन नंबर टोटल है, अपने 5 कार्ड्स भी सिलेक्ट करने हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास 52 और 5। इसका मतलब है कि 52 हमारे पास एन है और 5 हमारे पास आर है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको पुट करेंगे एंड वी गेट 52 का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 52 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गेट 47। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, 52 का फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में है और 5 का फैक्टोरियल एंड 47 का फैक्टोरियल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर हमने क्या करना है 47 तक उसको ओपन करना है ताकि वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाए, और 5 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 एज इट इज़। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनको कैंसिल करने के बाद वी गेट द आंसर। ठीक है, अ स्टूडेंट मस्ट आंसर 3 आउट ऑफ 5 ऐसे क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं तो 5C3 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने पुट कर दिया 5 का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एंड 2 को ओपन करेंगे तो 5, 4, 3, 2, 1 और 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3, 2, 1। ये 5 को हम 3 तक ओपन करेंगे, 3, 3 से कट जाएगा और 5, 4 और डिनोमिनेटर में 2, 1 रह जाएगा। 5, 4 जो 20 एंड 2 को डिवाइड करेंगे वी गेट 10। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटर्स,
फाइव फॉरवर्ड्स एंड फोर गार्ड्स। इन हाउ मैनी वेज कैन द कोच सिलेक्ट अ स्टार्टिंग लाइन अप टू वन सेंटर, टू फॉरवर्ड एंड टू गार्ड्स। ठीक है, अब देखिए इसका तीन इसमें कम्बिनेशन आ गए हैं। पहले फाइव में से जो है वो टू सेलेक्ट करेंगे, फिर फाइव में से फोर, फिर फाइव में से थ्री। अब देखिए तीन कम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है, सेंटर फॉरवर्ड और गार्ड्स के। सेंटर में हैं टू आउट ऑफ वन और फाइव, और यानी टोटल नंबर एन टू है और उसमें से वन है, वन सेलेक्ट किया और फाइव में से टू सेलेक्ट किए और फोर में से टू सेलेक्ट किए। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल हमारे पास जो है वो इसको हम ओपन करेंगे, टू का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, डिनोमिनेटर में वन का फैक्टोरियल है तो वो अब आंसर हमारा टू ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में फाइव को ओपन करेंगे थ्री तक, तो थ्री थ्री से कट जाएगा, तो फाइव फोर जो 20 ओवर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। एंड 4 और 2 का कॉम्बिनेशन को जब ओपन करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 8, 4 माइनस 2 आंसर 2। तो 4 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2 तक, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 थ्री 12 और 12 बाई 2 आएगा तो वो कैंसिल होके हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस आंसर को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो यू गेट योर आंसर। वे तीन कॉम्बिनेशन थे 2, 10 और 6, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। दस द नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट द स्टार्टिंग लाइन अप टू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6। इनकी जो मेन आंसर है उनको मल्टीप्लाई करने से 120 हमारे पास मेजर आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।